जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। आज के इस वीडियो में दिखाएंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, साथ में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हो नवोदय विद्यालय के लिए। यहां पर साफ साफ आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2023-24। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म आपको डाउनलोड लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का एक फ़ोटो लगना है, मतलब स्टूडेंट का एक फ़ोटो लगेगा। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम देना है, फिर यहाँ पर फादर का नाम देना है या मदर का नाम देना है। ये फॉर्म बहुत ही आसान है, आप आसानी से भर सकते हो। जन्मतिथि भरना है, यहाँ पर आपका बॉय है या गर्ल्स है या फिर ट्रांसजेंडर है वो आपको भरना है। जाति क्या है वो आपको देना है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। फिर यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, इनकम देना है, सालाना इनकम कितना होता है। फिर यहाँ पर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का डिटेल्स देना है, जैसे कि क्लास 5 में कब एडमिशन हुए थे, क्लास 5 में पास कब हुए हैं, 3 या 4 या 5 जो भी यहाँ पर लिखा गया है उसका डिटेल्स भरना है। फिर स्टेट देना है, आपका डिस्ट्रिक्ट देना है, ब्लॉक देना है, पासिंग ईयर्स, ज्वाइनिंग ईयर्स और आपका स्कूल जो है कौन सा इलाका में है, रूरल इलाके में है या अर्बन इलाके में है, वो आपको भर देना है इस फॉर्म में। फिर यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर लेना है, मतलब स्टूडेंट का सिग्नेचर। फिर यहाँ पेरेंट का सिग्नेचर लेना है, मतलब आपका मदर या फादर का नाम यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। यहाँ पर हेडमास्टर का सिग्नेचर लेना है, साथ में स्टाम्प ले लेना है, जो भी स्कूल का हेडमास्टर होगा आपका उसका सिग्नेचर और स्टाम्प। ये फॉर्म तैयार करके रख लेना है। अब आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पर आने के बाद इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ये फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर नो कर देना है, दूसरा वाले ऑप्शन में भी नो कर देना है, तीसरे वाले ऑप्शन में आपको यस कर देना है, फिर सभी में आपको यस करना होगा। यस कर दोगे, यस कर दोगे। यहाँ पर देखोगे आधार नंबर पूछा जा रहा है, आधार नंबर डाल के सबमिट करोगे। अगर आप यहाँ पर अगर यहाँ पर सबसे पहले यस करोगे तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि एलिजिबल आप नहीं हो। फिर यहाँ पर भी आपको यस करो, अगर दूसरे नंबर पर भी अगर आप यस करोगे तो यहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो, तो इसलिए आपको यस नो करना है दोनों में। फिर यहाँ आधार नंबर डाल के सबमिट में क्लिक करोगे। अगर यहाँ पर आधार नंबर डालोगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP चला जाएगा, तो इसलिए आप चाहो तो यहाँ पर आप नो करके ओके में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे ये एक ऑप्शन आ जाता है कि आपका माता पिता का एक निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जिस भी स्टेट से आप हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, वो गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपके माता पिता के नाम पे कोई भी एक निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और फाइल का साइज यहाँ पर 50 से 300 KB के अंदर होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए। तो फिलहाल इसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, इसलिए हम यहाँ पर यस करेंगे, आधार नंबर डालेंगे, सबमिट और सबमिट में क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे यहाँ पर ये इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर यस करोगे, यस में आपका OTP आ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो भी आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आ जाएगा। OTP सबमिट करते ही यहाँ पर ये फॉर्म खुल जाएगा। सबसे पहले आप अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका स्टेट होगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। नीचे वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आपका चयन आवासीय राज्य का चयन ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपका जो भी ब्लॉक होगा ब्लॉक सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आपका जो भी स्कूल नाम होगा वो स्कूल नाम यहाँ पर देना है। फिर उम्मीदवार का नाम, मतलब कैंडिडेट का नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, या DOB सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका DOB होगा, मतलब कैंडिडेट का DOB, स्टूडेंट का DOB यहाँ पर डाल देना है कैलेंडर के माध्यम से। यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर में क्लिक करोगे। फिर ईमेल ID देना है, ईमेल ID अगर अवेलेबल है तो डाल दोगे, ईमेल ID नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर का नाम डालना है और फादर का नाम डालना है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो भरना है। यहाँ पर गार्जियन नाम देना है, ये ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हो गार्जियन का नाम, मतलब मदर और फादर का नाम देना है। रिलीजन बता देना है अगर गार्जियन का नाम दोगे तो, नेशनलिटी आ जाएगा। यहाँ पर पहचान चिन्ह एक देना है, अगर जैसे कटा हुआ है या तिल है, अगर है इस प्रकार से तो डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नो मार्क लिख सकते हो। फिर यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आपका जाति जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका एड्रेस भर देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो फुल एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यहाँ पर देख लेना आप अपना गांव का नाम, अपना पुलिस स्टेशन, आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ फिलअप करना है, पिन कोड डालना है। फिर यहाँ पर आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कौन सा लैंग्वेज में आपको
एग्ज़ाम देना है, जैसे हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। फिर यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी, अगर किसी पर प्रकार का विकलांगता है तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करोगे, नहीं तो आप नॉन में क्लिक करोगे। फिर यहाँ आपका धर्म सिलेक्ट करोगे, हिंदू हो या इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी यहाँ पर है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे, जो भी जाति में आप आते हो। फिर आधार नंबर यहाँ शो करेगा, यहाँ इनकम देना होगा, सालाना इनकम आपका कितना है, वार्षिक आय कितना है वो आपको डालना है, तो यहाँ पर डाल देते हैं। फिर यहाँ पर आपका क्लास 3, 4, 5 का यहाँ पर आपको डिटेल्स देना है, जैसे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का नाम ऑटोमेटिक सिलेक्ट है कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का। अब यहाँ पर जो भी बॉक्स है वो फिलअप करना है, जैसे आपका गांव का नाम यहाँ पर डालना है, देखिए विलेज नाम तीनों बॉक्स में डाल देना है, कक्षा 3, 4, 5 के लिए कौन सा गांव है। फिर स्कूल का नाम डालना है, कक्षा 3 में कौन सा स्कूल में पढ़ रहे थे, कक्षा 4 में कौन सा स्कूल में पढ़ रहे थे, कक्षा 5 में कौन सा स्कूल में पढ़ रहे थे, वो आपको डाल देना है। ये आपको सिलेक्ट रहना देना है, ये आपका जो भी सिलेक्ट है वो रहने देना है, इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। फिर स्कूल लोकेशन आपका रूरल है या अर्बन है वो आपको सिलेक्ट करना है, ये रूरल का है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे तीनों बॉक्स में। फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग, मतलब कक्षा 3 की में कब ज्वाइनिंग हुआ था वो आपको सिलेक्ट करना है, साल और महीना आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ देखिए पासिंग, नीचे वाला ऑप्शन में आप क्लास 3 में कब पास हुए किए थे वो आपको सिलेक्ट करना है, साल और महीना। उसी प्रकार से कक्षा 3, 4, 5 सभी में फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे जैसे यहाँ कैंडिडेट का फोटो, मतलब स्टूडेंट का एक फोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज में, और 10 से 100 KB के अंदर होना चाहिए, 10 KB से कम ना हो, 100 KB से ज़्यादा ना हो, और कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करना है, मतलब स्टूडेंट का। फिर यहाँ नीचे देखोगे माता या पिता का सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्म भरना है जो आपने हेडमास्टर से सिग्नेचर लेके रखा था। तो चलिए ये सारा कुछ अपलोड कर देते हैं फटाफट, और ये साइज होना चाहिए 50 से 300 KB के अंदर, ठीक है। तो ये सब फटाफट फिलअप कर लेते हैं, सेव एंड प्रीव्यू में क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखो ये सेव एंड प्रीव्यू में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पूरा डिटेल्स दिखाई देगा, आपने जो भी फिलअप किया था, फिर आपको सबमिट कर देना है, फाइनल सबमिट। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो, मतलब बैक जाना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बाद में ट्रैक भी कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप नवोदय विद्यालय के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाओगे।